फ्लैट ले लो रे, अपना सब कुछ बेच के फ्लैट ले लो, ए ले लो रे, ले लो ए, बस सपना कैसे हैं? आज दिवाली है? नहीं तो तेरे जगमग जगमग क्यों हो रही है? सामने देख, पटाखे की दुकान रख ली है तूने। Oh my God! Hello. 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 हाँ सहजा बिल्डर। हाँ मैंने चुपराई से बात कर ली है। हाँ और अगर चुस्तन जी ने टांग अड़ाई, हाँ तो मैं थडानी को बोल के टांगे तोड़वा दूंगा। गाली किसको देता है? मेरे को। तो मेरे को बता तो सही, मेरे को दे रहा, मेरे को लगी नहीं। Oh yeah. Shut up. अरे भैया जी पैसा 500 रुपया दे दो। हम नहीं, आप हमको देंगे ना? हम आपको क्यों देंगे, काहे को देंगे? अरे पूरे रास्ते रिक्शा तू चलाता है, मेरे को इतना सा भी नहीं चलाने दिया। पैसे किस बात के? हाँ, सही बोलते हैं। अरे भैया जी रिक्शा हमारा है तो आप काहे चलाएंगे? तो पैसा हमारा है तुमको काहे देंगे? भैया जी सीधा सीधा हमारा पैसा दे दीजिए, नहीं तो हम पुलिस को बुला लेंगे। धमकी किसको दे रहा है? तोरी भैंसिया का पूछ उखाड़ू मैं। हैं क्या धमकी दे रहे हैं? पैसा पैसा, कितना पैसा हुआ तेरा? 500 रुपया। 500 रुपया? अच्छा इधर 10,000 रुपया पर स्क्वायर फीट हम लोग बेच रहे हैं, तू एक स्क्वायर फीट रख ले, 500 माइनस 9,500 निकाल। अरे भाई हमारे पास पैसा नहीं है। ओ, 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 ओ। एक तो पैसा नहीं, ऊपर से रिक्शा चला रहा है। पर पैसा नहीं है इसीलिए तू रिक्शा चला रहे हैं भाई। अच्छा मतलब पैसा होता तो रिक्शा नहीं चलाते, आलसी कहीं के। सही बोले। चलो निकलो यहाँ से, चलो अपना रिक्शा चलाओ, हमें अपना रिक्शा चलाने दो, भाग इधर से चल। हाय चप्पू कैसे? अरे सुनना चप्पू, क्या वो सनकिया बिल्डर है ना अपने पालघर वाले, हाँ। उधर तू पैसा डाल रहे ना बिल्डिंग बना रहे, उधर मैं भी शेयर होल्डर बनेगी है। ए बल्ब होल्डर जैसे मुंह वाली औरत, तेरे को हर जगह शेयर चाहिए, चल भाग यहाँ से। तू और तेरा भाई जो है कप्पू, हाँ। उन्होंने मुंह पे PhD किए ले क्या? तो बहुत अच्छा बोलते, इसका मुंह उसके जैसा, उसका मुंह उसके जैसा, बहुत मजा आते है मेरे को। हेलो, ये उफ मेरे पल्लू। हाय हाय। यस ये बुजुर्ग खलीफा बिल्डर यही है? नहीं अभी जवान है, थोड़े साल बाद होएगा बुजुर्ग। एक बात बताइए, आप क्यों जवाब दे रहे हैं? मैं उनसे बात कर रही हूँ ना। एक तो दो औरतें इकट्ठी हो जाती तो बातें करना नहीं छोड़ती, कर लो बातें, आ जाओ चलो जाओ। कश्ती मरे रे, कश्ती मरे कप्पू। हेलो सर, हेलो सर, हेलो मैम, हाउ आर यू मैम? आने में कोई तकलीफ तो नहीं है? Myself Sapna, I'm the representative, yeah, and he's the MD of the company. एक मिनट, तू क्या? Representative. ठीक है. And he's the MD of the company. Okay. And that's Archana ji. Okay. इनका भी share है? इनकी तो कुर्सी भी नहीं है. तो कुर्सी किसकी है? जिसका share है. तो share किसका है? राहत साहब का. कहते हैं कि ये इश्क नहीं आस्था, बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है और जबरदस्ती बैठे रहना, उठना नहीं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट भाई साहब, ये शेर गालिब जी का है। होएगा? होएगा। मेरे को तो राहत साहब ने सुनाया था, उनको सिद्धू जी ने सुनाया था, ये एक दूसरे का सुनाते रहते, मिले हुए हैं। अच्छा तो एक काम करो, मुझे सिद्धू जी वाला सुनाओ ना शेर। तो इधर शेर सुनने के लिए आए क्या? हाँ सर, यू आर कस्टमर सर। या सर आइए, फीता काटेंगे मैम। हाँ, हाँ, बिल्कुल, व्हाई नॉट, हम काटेंगे। या आई सर, हमको खुद ही कैंची लेनी पड़ी। चलो खुद तो कर रही हैं आप। वाओ, थैंक यू, वाओ वाओ वाओ, मुबारक हो। थैंक यू, मुबारक हो। लाइए कस्टमर, ले आओ 1051 निकालिए। मतलब 1051 रुपए चाहिए आपको? ये मेरे को हिंदी में नहीं बोलना आता है। हाँ यही 1051 रुपीस दे दो। लेकिन
फीता काटने के पैसे कौन लेता यार? शादियों में जाते हो तो फीता काटते हो, सालियां पैसे नहीं मांगती। हाँ तो फिर पर तुम मेरी साली तो नहीं हो यार। एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है अब बताओ? जीजा जी जीजा जी जीजा जी अब बताओ। टन 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 टन। अरे क्या कर रहे चप्पू? क्या जेंडर के हिसाब से मैं साली है? हाँ जीजा जी जीजा जी जीजा जी जीजा जी। हाय जा शगुन तो दो साली को। शगुन साली को? हाँ ठीक है घर आके लेना। मैं घर पे क्यों आऊं? अरे साली आधी घरवाली होती है, घर में आओगी थोड़ा बहुत मजाक भी कर लेंगे। कब तक घर में मजाक करता रहेगा, कभी बाहर भी गया कर। ये बेवकूफ लोग। चलो हमें नहीं फ्लैट लेना, चलो चलते। चल झूठा कहीं का, रोज फोन करता मेरे को ले लो ले लो, अभी कहता चलते चलते। एक मिनट, इन्होंने फोन किया होगा, मैंने कब किया? तो करो ना, कब करोगी? जब मैं किसी और का फोन उठा लूंगा। देखो फोन और शादी में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर तेरी शादी होगी तो फोन नहीं कर पाएगी। हाँ। और अगर फोन कर लिया शादी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक मिनट, इसका क्या मतलब है? मतलब समझ में आ जाएगा ना तो मैं तेरे को फोन करके बता देगी, ठीक है? छह महीने से मेरे को भी समझ में नहीं आता है क्या क्या बोलते है, इसका फैमिली चेसे जाने दो। हाँ एक मिनट, फ्लैट तो हम ले लेंगे। हाँ आपने पहले कोई बिल्डिंग बनाई है? शाहरुख खान की बिल्डिंग देखी है? देखी है। अमिताभ बच्चन की देखी है? देखी है। शत्रुघ्न सिन्हा की? ओ देखी है। इधर काम करने के लिए आया है कि बिल्डिंग देखने के लिए आया है इधर? मेरे को पक्का ये कोरियर वाला लगता है जो बिल्डिंग देखता रहता है इधर उधर खाली फोकट में। पीलीलिक 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 पीलीलिक। फोन आ गया, फोन आ गया। पीलीलिक मेरा फोन है। पीलीलिक पीलीलिक। हेलो। हाँ मुकेश, मेरे बॉस का फोन आया है, मैं उससे बात करती, आप डील क्रैक कर दो। हाँ बोल कुतरिया। हाँ ठीक है। कलिलिक कलिलिक कलिलिक, उसका पीलीलिक है मेरा कलिलिक कलिलिक। हेलो ओबामा सर, दो फ्लैट बुक कर दूं? दो फ्लैट ओके। कलर क्या रखना है? हल्का बैंगनी ओके। पंखा ऊपर रखना है कि नीचे? अच्छा टॉयलेट वेस्टर्न या इंडियन ओके। गेट रखना है कि सुरंग? ओके ठीक है। ओबामा माय गॉड, मतलब ओबामा ने यहाँ दो फ्लैट बुक किए? ये तो कुछ भी नहीं, रमेश यादव ने भी लिए। रमेश यादव? ये कौन है? होएगा कोई अरे गहरे बड़े आते रहते तो फालतू लोग, मेरे को क्या पता। आप लोगों को फ्लैट लेना जल्दी जल्दी ले लो, दिवाली का सीजन आ रहा है, फिर नहीं मिलेगा आपको, बता रहा हूँ। अरे दिवाली तो अक्टूबर में है, अभी तो आम का सीजन है। वैसे तो सुपर डांसर का भी सीजन चल रहा है, और जिस चैनल के अच्छे शो चल रहे हो ना उसकी रोज दिवाली है, समझ में आया? इसलिए हैप्पी दिवाली। गले नहीं मिलोगी? गले तो ईद में मिलते हैं ना। जब पता है तो आई क्यों नहीं? ओ, मेरी बीवी के साथ फ्लर्ट करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तेरे साथ करूंगा ना, तेरे को ज्यादा शर्म आएगी। यार चलो, ये लोग ना बेवकूफ हैं, इनके साथ क्या बात करनी। बजट? हाँ आप लोग अभी तक इधर हो? गए नहीं? तुम लोग को बोल रही है तो एसी का रिमोट है, तुम लोग इधर ही है क्या? हाय सर, सो वी हैव स्पेशल डिस्काउंट फॉर यू सर। बाहर मार्केट में मैं सबको 40% डिस्काउंट दे रही है, लेकिन स्पेशल इनके लिए 10% डिस्काउंट सर। एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ फ्लैट का रेट क्या है? 3000 स्क्वायर फीट के हिसाब से 1.5 करोड़। देखो इतना बजट तो हमारा नहीं, हमें तो 1 BHK चलेगा। 1 BHK चाहिए? हाँ ओके। मिश्रा मिश्रा, हेलो मिश्रा जी, आपको एक 1 BHK चाहिए था ना, तो हमारे पास एक 2 BHK है, आप लोग मिलकर रह लेना, ठीक है? ओके। एक मिनट, आप लोग दो लोगों को एक ही फ्लैट कैसे बेच सकते हैं? हाँ टारगेट है हम लोग का, टारगेट पूरा नहीं करेंगे क्या? और उधर क्या बात करती है? टॉक टू मी, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव ये है ये। हाँ ऐसे नहीं बोल रही। और तुम लोग को प्रॉब्लम क्या है मेरे को एक बात बताओ, मिलजुल के रहने का उसमें ही फायदा रहता है। अब मेरे को देख लो, मैं भी पहले अकेली थी ना, जब से इससे मिली है 4-4 फ्लैट बुक किया है मैंने खुद का बिल्डिंग में। लेकिन एक बात बताइए, हम दो अलग अलग लोग एक ही कमरे में कैसे रह सकते हैं? मतलब हम एक दूसरे को जानते नहीं ना। इधर आओ। हाँ जानने का क्या है, जब ये शो शुरू हुआ था जानती थी? आई जाती ना तीसरे दिन मुंह उठा के, बताइए उसमें क्या है? एक मिनट, पहले तो ना आप झूठ मत बोलिए, मैं हर तीसरे एपिसोड में तो यहाँ आती हूँ नहीं, अगर आती तो 1 BHK का फ्लैट नहीं लेती, 4 BHK का लेती इनकी तरह। ए,
दादर की दुर्गा खोटे। ज्यादा बकवास मत, हर एपिसोड में आएगी तू। इधर आइए, चार लाइन बोल और निकल इधर से। देखो ये मेरी बीवी से तमीज से बात कर, तू जानती नहीं है मेरे को। अरे सर आपको कौन नहीं जानता सर, अरे आप तो पंजाब नेपोटिज्म के सुपरस्टार हैं। सर आपके लिए नया ऑफर निकले ले सर, स्पेशल आपके लिए सर। हाय सर, वन बीएचके 60 लाख एंड 2 BHK 30 लाख। 2 BHK सस्ता है, 1 BHK महंगा, ऐसा क्यों? 1 BHK में 2 रूम है ना, तो 2 BHK में 1 रूम है, 2 BHK उसका नाम है तो रूम एक है, तो 1 BHK जो इसमें रूम 2 है उसका नाम 1 BHK। एक मिनट यार, ये 1 BHK में 2 रूम कैसे हो सकते हैं यार? किसको बोला वे? सॉरी बे, किसको बोला वे? सॉरी, धमकी किसको दी कुतरे? कुतरिया किसको बोला तू? किसको बोला कुतरिया? एक रहने दीजिए, किसको? अच्छा ये तो नॉर्मल चीज है, रहने दीजिए तो हम बोलते। हाँ बोलिए बोलिए, कंटिन्यू, बहुत मजा आया। चलो चलो चलो, अभी मैं पूछूं जो मुझे पूछना है। 1 BHK में 2 रूम कैसे हो सकते हैं? क्योंकि हमने उसमें बाथरूम नहीं बनवाए। ऐसा है, एक मिनट, बाथरूम नहीं बनवाया तो हम लोग जाएंगे कहाँ? सामने सुलभ शौचालय, 2 रुपए दो काम खत्म। लेकिन देखो मुझे फ्लैट में बाथरूम चाहिए। हाँ। फ्लैट में तेरे को बाथरूम चाहिए? हाँ। पति बेचारा दिन रात मेहनत करके इतना बड़ा घर ले रहा है, ये नहीं कि अंदर जाके उसके साथ रोमांस करे, इसको बाथरूम चाहिए। रेसिस्ट कहेगी। जो काम 2 रुपए में हो सकता है उसके लिए लाखों रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है? हाँ। सही बोलता है। लेकिन भाई साहब अपने बाथरूम का ना अलग ही सुख मिलता है। भाई साहब सुख तो आजकल पहाड़ों में भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या लगता है शादी के बाद सुख मिलता है? ये बीवियां बड़ी चलाक होती हैं, सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको। पहले लाखों रुपए लगवा के घर बना लेती हैं, हाँ, फिर कहती है बेबी सोफा बदल दो, बेबी ये वॉल कलर बदल दो, बेबी पर्दे बदल दो, जब सब बदल दो फिर कहती हवा पानी बदल आते हैं, चलो बाहर चलते। बात तो भाई साहब आपने बिल्कुल सही बोली है। एक मिनट, क्या बात सही कही उन्होंने? कभी परेशान किया है तुम्हें? नहीं, नहीं, कभी शॉपिंग के लिए बोला है? नहीं डार्लिंग, बढ़िया है, यहाँ पे शॉपिंग आजकल ऑनलाइन होती है, समझी? देखो हमने पैसे खर्च किए हैं, हम सुलभ शौचालय क्यों जाएंगे, वहाँ पता कितनी भीड़ होती है। तो भीड़ तो मेट्रो में भी होती है, उधर जाते कि नहीं जाते हो? मेट्रो और टॉयलेट में फर्क होता है? कोई फर्क नहीं होता, अभी मेट्रो में और बाथरूम दोनों जगह आदमी फाट करता है। अब ये फाट कहाँ से आ गया? बिना बताया आता है, लेकिन जब आता है सबको पता चलता है। फ्लैट लेनी है, दिमाग खराब करके रखा है। मुझे घर में अटैच बाथरूम चाहिए। ए तेरी नई नई शादी हुई है, बीबी से अटैच हो, बाथरूम से अटैच मत हो। देखिए देखो टॉयलेट और बीवी में बड़ा फर्क होता है, पता है? बीवी प्रेशर बनाती है और टॉयलेट प्रेशर हल्का करता है। वाह क्या बात है। देखिए भिवंटी का भरसा होगले, तू इधर भी सटायर मार, मजा आया। अभी देखिए, अभी हमको यहाँ फ्लैट लेना ही नहीं लेना है, हम सोच के बताएंगे। हाँ। सोच के कब? जल्दी करिए, 3 फ्लैट बचे ले हैं, जल्दी करिए ऑफर, सिर्फ 3 घंटे तक इस नंबर पे डायल करिए, जल्दी करिए ऑफर, सिर्फ 3 घंटे। बहन जी इतनी जल्दी मत भेजिए, हमें फ्लैट लेना है। लेकिन ये तो बताइए कि पार्किंग का क्या है? अरे पार्किंग में तो आप ट्रक खड़ा कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास ट्रक नहीं है, कार है। नहीं ट्रक ही खड़ा कर सकते, कार बैन है। कार क्यों बैन है? अरे लंदन में बिग बैन हो सकती है, इंडिया में कार नहीं बैन हो सकती, ये क्या बात हुई? हाँ अरे तुम लोगों की वजह से मालूम है इंडिया का इतना नुकसान हो गया, कितना ट्रैफिक जाम करते तुम लोग। मारो इसको, मारो इसको। नहीं नहीं नहीं, हाँ तुम 2 साल गाड़ी नहीं चलाएगा ना इंडिया में, तो देख इंडिया कितना तरक्की करेगा। अच्छा और हम काम पे कैसे जाएंगे? ट्रेन से जाओ। अरे मेरे पास ट्रेन नहीं जाती है। क्या तो जिधर ट्रेन नहीं जाती तू काय को जाता है उधर? आपे मेरा ऑफिस है वहां पे। ऑफिस है तो गवर्नमेंट से बात करो ना, अगर गवर्नमेंट नहीं बात मानती तो उधर जाके धरना दो। मैं क्यों धरना दूंगा? इसका धरना दे आओ। मैं क्यों धरना दूंगी? ये क्यों धरना देगी बताओ? तुम देश के लिए ना कुछ करना ही नहीं चाहते, यू सूडो पीपल। सूडो मतलब? मैंने कल ही सुना था, मैंने कहा यूज करेंगे। बड़ा आया इधर, अरे पीली लीक पीली लीक पीली लीक पीली लीक, फोन बज रहे फोन बज रहे। हेलो यस सर, ओ या हाय सर, इट इज कॉल फ्रॉम नासा सर, यू मेकिंग बिल्डिंग देयर? या हाँ उधर से फोन आया है सर। कोई बात नहीं आते रहते।
आप लोग मतलब चांद पे घर बना रहे हैं या लेकिन वहाँ पानी नहीं है हम टिश्यू से बना रहे हैं ये क्या बकवास है टिश्यू से घर बनता है अमेरिका के बाथरूम में कभी पानी देखा नहीं देखा तो हम टिश्यू यूज कर रहे हैं ये देखो पराए मर्द को हाथ मत लगाओ ऐसे I'm sorry, लेकिन वो देखो ना मेरा मजाक उड़ा रहा है और तुम कुछ कर नहीं रहे हो तो इसका नहीं उड़ा रहे इसका भी उड़ रहा है इसका तो उड़ता ही रहता है मैम 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 लेट्स हैव सम टी मैम थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच हां इसमें इसमें तो टिश्यू है हां तो हम टिश्यू यूज कर रहे हैं पानी बचा रहे हैं हम बोला था हम इंडिया को अमेरिका बना रहे हैं वैसे पानी से मुझे याद आया तेरे को पानी से याद आया कभी उससे याद आया मुझे तेरे को शब्दों से याद आता है वैसे तेरा दिमाग नहीं चलता अब मुझे याद आया तो मैं बोल देती हूँ हाँ बोलो बिल्डिंग में पानी का क्या सिस्टम हाँ। है क्या टाइमिंग है बताइए पानी हाँ। पानी दो बार आता है लेकिन बता के नहीं आता हाँ। पर मैंने पता किया है रात 9 से 9:30 आता है फिर रात 12 से 12:30 आता है ये कौन सी टाइमिंग हुई उस वक्त तो हम सो रहे होते हैं हाँ। वाह पहले बोल रहे थे सरकार पानी के मुद्दे पे सो रही है अब सरकार जाग रही तो तुम लोग सो रहे हो अबे उठ जाओ मैं कह रहा हूँ क्या बात है उठ जाओ एक दिन पानी चला जाएगा जल्दी करिए सिर्फ 1.5 घंटे रह गए हैं जल्दी करिए फ्लैट फ्लैट ही होए एक 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 फ्लैट मेरा भी कर दो हाँ मीठा कम रखना क्या ज्यादा एक फ्लैट मेरा बुक कर दो एक मिनट ये फ्लैट ले रहा है ले रहे हैं मतलब अरे दो ले चुके चार लेने आए हैं ये चार फ्लैट ले रहे हैं या चार फ्लैट चार पांच कर दो पांच अच्छा फ्लैट पांच ले रहे हो और यहाँ पर कच्चा पहन के आए यहाँ तो फिर भी कच्चा पहन के आए दुनिया में तो नंगू आए थे तो ये कौन सी बड़ी बात है दुनिया में हर आदमी नंगा ही आता है आप हर किसी को नंगा देखते हैं यू हैव ए न्यूड सोच बेवकूफ कहेगा मिश्रा जी सर योर एग्रीमेंट इज रेडी सर थैंक यू फॉर बाइंग फ्लैट विद अस सर कपू इसने कितने फ्लैट बुक के लिए छे ना ओके आपने ना एड में क्या दिया था हाँ जी कि बिल्डिंग से स्टेशन 10 मिनट की दूरी पे है हाँ जी लेकिन स्टेशन तो बहुत दूर है यहाँ से हेलीकॉप्टर से जाओ ना 10 मिनट लगेंगे तो हेलीकॉप्टर नहीं है ना आपके पास हेलीकॉप्टर नहीं नहीं हेलीकॉप्टर है नहीं और फ्लैट लेने आ गए एक बात बताइए हाँ जी ये जो स्विमिंग पूल है इसके टाइमिंग क्या है इसके रात 6 से 9 आप जा सकते हैं 12 से 2 आप जा सकती हैं आपका मतलब मैं रात को स्विमिंग में जाऊंगी जी क्योंकि दिन में मैं फ्री नहीं होता फिर एक मिनट भाई साहब आप मेरी बीबी के साथ स्विमिंग क्यों करेंगे उनके साथ स्विमिंग मैं करूंगा ओए ये सब नहीं चलेगा सोसाइटी में देखो कैसी बातें कर रहा है और वो चलेगा तुम स्विमिंग करोगे अरे मैं तेरी बीवी को डूबने से बचाऊंगा ना अगर ये डूब गई तो कौन बचाएगा मैं बचाएगा मैं कहाँ डूब रही हूँ तो डूबो ना फिर देखो अगर तुम डूब जाओगी ना तो मैं तुम्हें बचाऊंगा मैं देखो तुम्हें बचाने का डेमोंस्ट्रेशन देता हूँ मेरी बीवी रजा मुराद के फोड़े इधर ही खड़ा रहे तू समझा उधर ही रहे ए चल इसको सांस दे तू जल्दी से अबे मेरी बीवी तेरी बीवी तक उधर ही रहे भाई तो मैं तेरे को सांस के साथ साथ ससुर डालेगी देख यार हम फ्लैट लेने आए यहाँ पर हाँ तो फ्लैट लेने का तो बुक कर अभी जल्दी से लेकिन एक मिनट हमको ना ये फ्लैट का व्यू ना पसंद नहीं है क्या क्या बुरा है इसमें बताओ बस मुझे नहीं पसंद इसका व्यू देखो अभी कुछ बेटर करो इसमें क्या है ये लो ये ले व्यू बदल गया ये देखो कुछ में क्या है देखा सारा वास्तु खराब कर दिया रख उधर उधर रख ये क्या किया अब हम बिल्डर को क्या जवाब देंगे मेरे को क्या पता बिल्डर है कौन वैसे छोटी छोटी बातों के लिए हम बात कराते नहीं तुम लोग ज्यादा बोल रहे हो ना बिल्डर साहब कोई आया ये बिल्डर है ज्यादा नहीं बोलना गुस्से वाले हैं हेलो क्या करना है बताइए सर कह रहे बिल्डिंग के पैसे ले लो 10 करोड़ निकाल बे किस बात के 10 करोड़ ये तो मॉडल है हाँ तो 5 लाख निकाल जल्दी से टाइम नहीं है ठीक है हाँ अरे वाह दे रहे इधर आओ
5 lakh चाहिए. हाँ, क्या? Hello, myself, inspector from house department. अच्छा 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 अच्छा. Come here. Hello. अरे अरे. इधर आओ साम. इधर आओ. कौन इधर आओ? तुम इधर ना. मैं पकड़ता हूँ. तुम इधर जाओ. उन्होंने ठीक पकड़ा हुआ था. नहीं नहीं, गलत गलत पकड़ा था. हाँ जी. और कुछ लोग फ्रॉड करके लोगों को लूटते हैं और इस वजह से आप दोनों जेल जाएंगे. हाँ जी, और वो भी जेल 1 BHK, जिसमें 2 कमरे होंगे और बाथरूम में बाहर लाइन बनानी पड़ेगी. मैंने मैंने कुछ नहीं किया साहब. मैं तो रिप्रेजेंटेटिव हूँ. ये MDA है. तू क्या? रिप्रेजेंटेटिव. हाँ, नहीं, तू MDA. ये जो इसने बोला, ये मैं हूँ. जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये है. ये है. ये वो है. यू बोथ आर अंडर अरेस्ट. आई एम अंडर आर्म्स. व्हाट? थैंक यू सर. थैंक यू. सुनिए, डॉक्टर साहब, मेरी बात सुनिए. हाँ जी. आप हमें जेल में मत करिए. हाँ. आपने जॉगर्स पहने किसी ने? नहीं. सपना, उठना. हाँ. इन्होंने नहीं पहने. तो बाप की लाज तो पकड़ के दिखा.